आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं डार्क लिप्स के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अंदर आप हम देखेंगे ये एक पिगमेंट है जो हम पिंक कलर का पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी अपने टीथ में थोड़ा सा जैसे नेचुरली पिंक नहीं होता है तो ये परमानेंट मेकअप आजकल चलता है जिसमें आपके लिप्स के अंदर हम इस कलर को जो कि ये कलर सेफ है इस कलर को हम थ्रू दिस पेन हम इस कलर को अंदर एम्बेडिंग करेंगे लिप के अंदर। ये परमानेंट PMU मशीन है गिज्म मशीन है जिससे हम ये अंदर कलर को पेनिट्रेट कर रहे हैं लिप के अंदर। नॉर्मली हमारे लिप्स के डार्क होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम अपने सन के मतलब सूरज की किरणें जो हैं वो हमारी स्किन के लिए ऐसे हमारे होठों को भी थोड़ा काला करती हैं, और दूसरा अगर हमारे होठों होने के काला होने का कारण स्मोकिंग भी रहता है, स्मोकिंग की वजह से भी लिप्स डार्क होते हैं, या अगर हम कुछ सस्ते कुछ नॉन ब्रांडेड लिपस्टिक या कुछ किसी भी लिपस्टिक का रिएक्शन होने की वजह से भी हमारे लिप्स डार्क होते हैं। और डार्क लिप्स जो हैं वो एक तरीके से एस्थेटिकली अच्छे नहीं माने जाते, तो हम ये एक प्रोसेस जिसमें हम माइक्रोब्लेडिंग के थ्रू इसको पिंक कलर को लिप्स को अंदर एम्बेडिंग करेंगे। नॉर्मली इसके लिए 2 सिटिंग रिक्वायर्ड होती है और पहले सिटिंग में आपको पूरा रिजल्ट नहीं आ पाता, सेकेंड सिटिंग में काफ़ी हद तक जो इनकम्प्लीट एरियाज होते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जितना कलर आप ये डार्क देख रहे हैं ये उतना नहीं रहेगा, ये लाइट हो जाएगा और लिप्स पिंक कलर के हो जाएंगे इसके केस में। और जितना आप ये कलर देखेंगे उसका सिर्फ 50% से लेकर 40% तक ही कलर यहाँ लिप पे आएगा, बाकी सब हट जाएगा, धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। और जब ये हल्का हो जाएगा तो 2 हफ्ते बाद दोबारा से हम इनको बुलाकर इनका ये ट्रीटमेंट दोबारा से देंगे। ये एक पेनलेस नीडल है, फिर भी मैंने इनका नम किया है, एक नमिंग क्रीम लगाई पहले हमने, उस नमिंग क्रीम को हमने 20 मिनट्स के लिए लगा के रखा, उसके बाद हमने ये पिगमेंट जो है PMU का जो पिगमेंट है अगर आप देखेंगे तो ये पिगमेंट रहता है रोज पिंक कलर में, ये पिगमेंट है जो हम पिगमेंट नॉर्मली पिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हैं तो उस केस में हम एक डार्क ऑरेंज कलर का कलर यूज़ करते हैं जिससे कि ये कलर पहले आपका ब्लैक कलर से एक न्यूट्रल कलर आ जाए लिप्स का, जब वो कलर न्यूट्रल आ जाता है फिर पिंक कलर करते हैं। अब इसके केस में हम दोनों ही सिटिंग पिंक कलर की करने वाले हैं क्योंकि लिप्स ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर लिप्स ज़्यादा ब्लैक रहते हैं तब हम पहले ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं उसके बाद हम पिंक यूज़ करते हैं। अब ये जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके लिए हमें पहले एक नमिंग क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो नमिंग क्रीम लगा के सुन करके होठों को, ताकि क्योंकि होठ हमारे बहुत डेलिकेट होते हैं और वो बिल्कुल भी ज़रा सा भी प्रेशर नहीं ले सकते। ऑल दो ये नीडल बहुत ही थिन साइज़ की है और पेनिट्रेशन में कोई पेन नहीं देती, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट फॉर द कंफर्टेबल कंफर्ट ट्रीटमेंट के लिए हमने इसको नमिंग क्रीम को अप्लाई किया है। और डार्क लिप्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें लिप लाइटनिंग क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस एक लिप लाइटनिंग बाम्स जो आते हैं वो आप SPF में लें, मतलब सन प्रोटेक्शन होना चाहिए आपके जो लिप बाम के अंदर, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और आप हमेशा जब भी रात को फेस वॉश करते हैं या मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं तो उसके साथ में अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखें। ड्राई लिप्स की वजह से भी जब लिप्स फटते हैं बार बार आप अपने ज़ुबान से अगर अपने लिप्स को लिक करेंगे तो वो डार्क हो जाएंगे, तो इसलिए जब भी आपके लिप्स डार्क हों लिप्स अगर ड्राई हों तो आप उनको एक मॉइस्चराइज करें SPF के साथ। और स्किन लाइटनिंग क्रीम्स की तरह लिप लाइटनिंग क्रीम्स भी आती हैं, अल्फा आर्बुटिन कोजिक एसिड, इनकी क्रीम्स को आप इस्तेमाल करके अपने लिप्स को डार्क होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए अब ये कलर थोड़ा सा ना पिंक हो रहा है, मैं फिर भी एक लेयरिंग और दूंगी तो उससे क्या रहेगा कि ये कलर जो है धीरे धीरे पेनिट्रेट कर जाएगा। हम इसको पूरे तरीके से नहीं निकालेंगे, अभी थोड़ा टाइम रुक के इसको निकालने वाले हैं, बट आप अभी देख सकते हैं कि कितना इफेक्ट है इसमें और इसमें, दोनों में इफेक्ट काफ़ी डिफरेंस है। ये एक परमानेंटली पिंक है, इसका इफेक्ट 3 से 6 महीने तक लास्ट करता है। अगर आप ये कराते हैं इस तरीके से कलर एम्बेडिंग कराते हैं तो ये इसका इफेक्ट 3 से 6 महीने तक रहता है, और कभी कभी ये 2 साल अगर आपको थोड़ा टचअप भी लेना पड़े तो 1 साल के बाद ही इसकी ज़रूरत पड़ती है।
अभी मैं इसको 15 दिन के बाद फिर बुला के ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस करूँगी। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका 1 घंटा लग जाता है, जिसमें मतलब 45 मिनट्स अपर और लोअर लिप्स दोनों को मिलाकर, और बहुत ही कंफर्टेबल। आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ये पेनलेस प्रोसेस है, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा आपको ये कराते वक्त। अगर आप भी आपके लिप्स भी डार्क है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं करनाल प्लस के नंबरों के थ्रू। मैं डॉक्टर निशा दुग्गल आज आप सबके साथ लाइव हूँ, और अगर आपको भी डार्क लिप्स हैं तो ज़रूर अपना आप इसका इलाज करा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है।